यही हैं वो शख्स जिनको बहुत धारदार से हथियार से इन पे वार किया गया है। यह वार ऐसा किया है, यह तुरंत वहीं पे अचेत हो गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने इन्हें उठाकर सीएससी जखनिया में लाकर इनको दवा दारू कराए, फिर उसके बाद थाने ले जाया गया। यही हैं राजेश गोंड जी। नमस्कार, आप देखते हैं इंडियन ऑफ कंप्यूटर, मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अजीत पांडे जी। आज हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर जनपद के ठीक सदर अस्पताल में पहुंच चुके हैं और यहां पे एक मामला से आपको हम रूबरू कराएंगे। यह मामला है भुरकुला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौरा खास का ये मामला है और यह मामला जमीनी विवाद को लेकर हुआ है। आइए इस मैटर को जानते हैं, क्या है मामला, क्या है नाम आपका? उमेश कुमार गोंड जी, क्या है मामला आपका, कैसे लड़ाई हुआ, कैसे विवाद हुआ? विवाद जिसे ये लोग प्लानिंग किए थे पूरे, मेरे चाचा लोग। और आपके चाचा क्या नाम है? अच्छे लाल गोंड और सच्चे लाल गोंड। अच्छा, दो चाचे हैं आपके। अच्छा जी, और बताएं। और ये लोग मतलब मेरे भैया को मतलब कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे मारने के लिए, जान से मारने के लिए धमकियां भी दे रहे थे, उल्टा सीधा मतलब इनके खिलाफ जाके ज़बरदस्ती पुलिस थाने में झूठे झूठे बोल के कि मतलब ये ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है, गाली दे रहा है, ऐसे कर रहा है, ज़बरदस्ती का पुलिस को पैसा वैसा दे के मेरे घर भिजवा रहे थे। तो मतलब लड़ाई वाले दिन मेरे भैया जब गए घर पर खाना खाने के लिए, तो ये लोग पहले से मतलब प्लानिंग बना के अच्छे लोग घर पे बैठा था। जैसे ही मेरे भैया घर पहुँचे और इनको पीछे से वार कर दिया, मतलब वो डंडे से, जिस डंडे से वार किया उसमें धारदार हथियार बांधा हुआ था। धारदार हथियार कैसा हथियार था? अब वो मतलब उसमें वो पहले से बांध के रखा था कपड़े से लपेट, कुल्हाड़ी था या फिर गड़ासा था, क्या था? गड़ासा था। उसी में बांध कर इन्होंने रखा था और उस पर कपड़ा लगा प्रहार कर दिया आपके भैया के ऊपर प्रहार कर दिया। भैया गिर गया, बेहोश हो गया। फिर जब हम उनको देखे तो मतलब हमारा दिमाग खराब हो गया। फिर जब वो गिर गए तो फिर मेरे ऊपर वो वार कर दिया। अच्छा, तो ये जो वारदात हुई है ये कितनी तारीख को हुई है? ये 31 तारीख का ये मामला है जी। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं लोग आदमी कि 30 तारीख का मामला है। 30 तारीख का मामला है, 31 तारीख का। कितने बजे यह हमला हुआ? ये लगभग 11:30 के बीच। क्या आप लोग की कोई पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश तो मतलब वो हमेशा से जो अच्छे लाल गोंड है हम लोग को टॉर्चर करता है बचपन से ही, मतलब वो हम लोग को हमेशा ज़बरदस्ती करता है, मारता पीटता है और जब भी कुछ होता है तो मतलब वो हमें लोग के ऊपर